मॉर्निंग एवरीवन, टुडे आई विल टीच यू हेलो एल्केन एंड हेलो अरेन पार्ट थर्ड। आज हम पार्ट थर्ड पे स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को एग्जाम्पल 10.1 से। एग्जाम्पल 10.1 आपको एनसीईआरटी बुक से मिलेगा, जिसमें आपका आइसोमर के बारे में आपको बताया गया है, पूछा गया है। एक क्वेश्चन है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है। पहले मैं इसको रीड करता हूँ अपनी तौर से। ड्रो द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल द 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर दैट हैव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H11Br, यानी ब्रोमोपेंटेन। नेम ईच आइसोमर अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम एंड क्लासिफाई देम एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोमाइड। तो जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था IUPAC ऑफ हेलो एल्केन या हेलो अरेन। तो यहाँ हमारा क्या होने वाला है, यहाँ हमारा टेस्ट भी होने वाला है। आसानी से हम लोग एक रिवीजन भी ले लेंगे IUPAC का, और इसके दौरान हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। जो है आपका, क्योंकि फाइव लिख रहे हैं इसलिए थोड़ा साइड में C5H11Br ब्रोमोपेंटेन नाम है इसका। इसके जितने भी पॉसिबल आइसोमर हैं वो सभी हमें आइसोमर बनाने हैं। उसके साथ साथ उनकी डिग्री बताने की, वो 1 डिग्री का है, 2 डिग्री का है, 3 डिग्री का है, ये भी हमें डिस्कस करना है। और इसके साथ साथ हमें उनके नेम नोमेनक्लेचर भी करना है, ठीक है। तो यहाँ हमारे दो टॉपिक जो ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड IUPAC ऑफ हेलो एल्केन हेलो अरेन, दोनों ही का रिवीजन एक टाइप से होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आइसोमर होता क्या है। आइसोमर का मतलब क्या होता है? आइसोमर मीन्स होता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट। अगर आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम रहे, यानी कि जो हम बनाने वाले हैं C5H11Br, तो हर एक आपके स्ट्रक्चर में कार्बन कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए, हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 11 होने चाहिए, और एक ही ब्रोमीन होना चाहिए। और लेकिन जो इसके IUPAC नेम आए वो हर एक का अलग होना चाहिए, क्योंकि अरेंजमेंट जब अलग हो जाएगा तो उसका IUPAC नेम भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप यही समझ लीजिए आइसोमर का मतलब क्या, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट और स्ट्रक्चर इज नोन एज आइसोमर। पहला आइसोमर हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं CH3, CH2, 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 1, 2, 3, 4 and 5 CH2Br, ठीक है। साथ ही साथ इसका हमें IUPAC भी लिखना है, उसके साथ साथ हमें इसकी डिग्री भी बतानी है। तो सबसे पहले मैं इसका IUPAC लिखूंगा। तो 5 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, पता ही है, तो क्या हो गया इसका नाम हो गया हमारा ब्रोमोपेंटेन। और इसके साथ साथ हम इसकी डिग्री भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये Br आपका इस कार्बन से लगा हुआ है, ये Br लगा हुआ है, तो हाइड्रोजन लग रही हुए, तो कितने डिग्री का बचा, 1 डिग्री का बचा, ठीक है। ये मैंने ट्रिक आपको बताई थी, या आप ये दूसरे ट्रिक के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं कि जिस कार्बन से आपका हेलोजन एटम लगा हुआ है उसको हमें कैसे देखना है, उस कार्बन से डायरेक्टली उसकी वैलेंसी से, 4 वैलेंसी से कितने कार्बन अटैच हैं उतने ही डिग्री होंगे। तो इस कार्बन से डायरेक्ट यही सिर्फ कार्बन अटैच है और बाकी 2 से हाइड्रोजन है। इसका मतलब क्या है, ये 1 डिग्री का होगा, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी जो बनी CH3, इस Br को हमने अरेंज करना है CH2, CH2, CH, Br, CH3, ठीक है। अब Br को हम यहाँ ले आए, इसका मतलब क्या, इसकी वैलेंसी बढ़ जाएगी, ये हाइड्रोजन अगर ऐसे लिख लेंगे तो एक हाइड्रोजन को हमने इसके साथ लिख दिया। अब इसका नाम, आपका नाम भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। सबसे मजेदार बात यही है कि अगर नाम सेम आ रहा है इसका मतलब क्या कि हम गलती कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा गलत हो रहा है। तो इसका नाम हो जाएगा आपका 2-ब्रोमोपेंटेन। डिग्री बताने, डिग्री भी चेक कर सकते हैं, जिस कार्बन से हेलोजन ब्रोम यानी ब्रोमीन लगा हुआ है उससे आप देखें इसकी वैलेंसी से कितने कार्बन है। तो आपका पहला ये है, सेकंड ये है, ठीक है, 2 डिग्री हो गया। या दूसरा तरीका क्या है कि कार्बन की वैलेंसी 4, जिससे एक तो ब्रोमीन ग्रुप लगाए हुआ है, हाइड्रोजन कितने, सिर्फ हाइड्रोजन देख लीजिए, तो हाइड्रोजन कितने, एक, इसको भी डाउन कर लीजिए कितना बचा, 2, उतने ही डिग्री हो गया, ये हो गया आपका 2 डिग्री, ठीक है। ये भी सिंपल सा था। आगे सम इसके बाद तीसरी पॉसिबिलिटी है CH3CH2CH, इसके साथ भी लगा दिया हमने CH2CH3, इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो
पेंटेन, और ये डिग्री रहेगी 2 डिग्री का ही रहेगा। एक डिग्री हाइड्रोजन है, एक ब्रोमीन है, दो कार्बन डाइऑक्साइड अटैच है इसके। फोर्थ देखते हैं तो हमने क्या किया, फोर्थ डिग्री CH3 कार्बन का फर्स्ट ग्रुप बना दिया, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5। अब आप चेक कर सकते हैं हर एक में आपका नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन सेम होना चाहिए, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है, 3, 3 जा 6, 7, 8, 9, 8, 11 हाइड्रोजन भी आपके 11 है, 1 भी आता है, ठीक है। सबसे पहले इसका नामकरण कर देते हैं, नॉर्मलाइज कर देते हैं, तो 1, 2, 3, 4 ये भी फूल ले सकते हैं। तो क्या आएगा आपका 1, 2, 3, 4 कार्बन के लिए आता है बेटा आपका ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए 1, 2, 3, ठीक है। डिग्री देख सकते हैं, आपकी डिग्री देखनी है, ये कार्बन देखना होगा, दो हाइड्रोजन के साथ, इसलिए क्या हो गया 1 डिग्री। तो ये 4 स्ट्रक्चर आपके पॉसिबल होंगे। इसके अलावा आप क्या करते हैं, इसी ब्रोमीन को यहाँ रख देते हैं, CH3, CH, CH3, CH, BR, CH3, ठीक है। तो आपका जो नेम है, नेम सेम नहीं आना चाहिए, तो आप सही कर सकते हैं। तो आप नंबरिंग कर लीजिए, आप ये सामने का नंबर 1, 2, 3, 4, तो इसका नाम आ गया 2-methyl-3-bromobutane, 2-methyl-3-bromobutane। सबसे अलग नाम है, कहीं भी आपको मैच करने को नहीं दिखेगा। इसके साथ साथ डिग्री बतानी है, तो इसको लिखना होगा क्या, हो गया 2 डिग्री का, ठीक है। चेक कर लेना आप नंबर 6। और कौन सी पॉसिबिलिटी बची, एक ही कार्बन के साथ लगा दें आप, जैसे CH3 CH3 BR, इसके बाद 1, 2, 3 कार्बन होगी, ये हो गया CH2 CH, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा आपका, सॉरी ये नाम मैं थोड़ा गलत लिख चुका हूँ, क्योंकि हमने बताया था कि उसको हमें इसके फॉर्म में ना प्रीफिक्स में अल्फाबेटिक ऑर्डर दो हो तो अल्फाबेटिक ऑर्डर, तो यहाँ आपको ब्रोमो पढ़ने आएगा, तो इसके लिए 2-bromo-3-methyl, ठीक है। एम बाद में आता है, देखिए कार्बन से बीआर ग्रुप में उस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है डायरेक्टली, 1, 2, 3, तो क्या हो गया 3 डिग्री का, और उससे मैक्सिमम दो नहीं सकता, 3 डिग्री ही हो सकता है आपका। तो ये पॉसिबिलिटी 6 पॉसिबिलिटी हम कर चुके हैं, अभी एक बताया था, इसका मतलब क्या 2 पॉसिबिलिटी अभी इसमें और बाकी है। तो देखते हैं कौन सी पॉसिबिलिटी है, तो ये तो आपको याद रहेगा, इसको रफ कर देते हैं स्टार्टिंग वाले 3 को, ये तो हमें याद रहेगा, नॉर्मल कार्बन का नॉर्मल चेन की तरह, तो 7 जो बची वो ये बची कि हम एक और सी एच थ्री ग्रुप ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया CH3 CH3 CH3, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ लेंगे ये पिया, और ये हाइड्रोजन बचा यहाँ, तो ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, तो सभी आप देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन आपके कितने हो गए 5 और 11 हाइड्रोजन है और बियर है, तो नोमिन कर लीजिए 1, 2, 3, 4 मुझे लग रहा है शायद हो चुका है, तो ये बन जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं ये हो चुका है। तो यही तो इसकी खासियत है कि अगर हमने गलत भी किया है तो उसका मतलब क्या तुरंत पहचान हो जाएगी, क्योंकि उसमें से नेम जो है सेम आ जाएगा, मतलब ये पॉसिबिलिटी आपकी पॉसिबल नहीं है। हाँ CH3 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 1, 2, 3, 4, 5 CH3 1, 2, 3, 4, 5
यहाँ आ जाएगा आपका पी आर, ये नहीं हुआ है ठीक है। इसमें क्या आएगा, वन ब्रोमो कॉमा टू डाई मिथाइल प्रोपेन, नाम ही अलग अलग से लिख रहा, प्रोपेन तो लिख रहा है। तो क्या लिखा हमने, वन ब्रोमो टू कॉमा टू डाई मिथाइल और थ्री कार्बन के लिए ड्रॉप्स न्यूट्रॉन के लिए प्रोपेन, सेवन आपके कॉन्स्टेंट कंप्लीट हो चुके हैं। और ये कितने डिग्री का है आपका, ये भी 100 डिग्री का है। अब आठवीं पॉसिबिलिटी देखते हैं, आठवीं कौन सी पॉसिबिलिटी जो है रह गई है और नजर डाल देते हैं। वन ब्रोमो पेंटेन हो गया आपका, टू ब्रोमो पेंटेन यानी टू डिग्री है ये हो गया, थ्री ब्रोमो पेंटेन ये हो गया, वन ब्रोमो थ्री मिथाइल, वन ब्रोमो थ्री मिथाइल ब्यूटेन ये भी हो गया, टू ब्रोमो थ्री मिथाइल, टू ब्रोमो थ्री मिथाइल ब्यूटेन ये भी हो गया, टू ब्रोमो टू मिथाइल ये भी हो गया, वन ब्रोमो टू मिथाइल, वन ब्रोमो टू मिथाइल का ये रहेगा। सी एस थ्री सी एच इसमें हेलोजन का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है।
तो हेलोजन का साइज इंक्रीज होने की वजह से जो बॉन्ड लेंथ होगी क्या होगी, बॉन्ड लेंथ जो होगी वो भी आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। टॉप टू बॉटम कह दीजिए या फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयरो के लिए कह दीजिए कि फ्लोरो से आयरो के लिए जाएगी CH3 F CH3 CL CH3 BR CH3 I। तो इस तरीके से इसमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे आपकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है, सीधी सी बात है, जब आपका नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज होंगे फ्लोरो में तो उसकी बॉन्ड लेंथ भी तो इंक्रीज होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी।